तीन महीने में हर निवेशक का पेमेंट होगा जो भारत की रजिस्टर्ड कंपनियां है, ये रहेगा। तीसरा ये रहेगा कि अगर तीन महीने में हम पेमेंट नहीं करा पाते, जहां ताले लगे वहां ताले खुलवा कर। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों भारतीय लोक सेवा दल के राष्ट्रीय महामंत्री श्री विकास त्रिपाठी जी कानपुर से इस बार 2019 लोकसभा चुनाव में अपना पर्चा दाखिल कर चुके हैं और प्रचार प्रसार में जुट चुके हैं। विकास त्रिपाठी जी ने अभी अभी आपने एक छोटी सी क्लिप देखी होगी कि तीन महीनों के अंदर सभी चिटफंड कंपनियों के निवेशकों का एक एक पैसा दिलवाएंगे, पूरी गारंटी ली है, पूरा वादा किया है, चाहे वो पल्स कंपनी का हो या किसी भी अन्य चिट फंड कंपनी का हो, मगर ऐसा हो जो कंपनी रजिस्टर्ड थी उन सभी कंपनियों का पैसा तीन महीने के अंदर आप लोगों को दिलवा दिया जाएगा। मगर उसके लिए आपको क्या करना होगा कि भारतीय लोक सेवा दल को ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत पर लाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लाइए, उसे जहाँ जहाँ पर भी भारतीय लोक सेवा दल के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उस चुनाव को सफल बनाइए। क्योंकि संसद में बैठकर जब चिटफंड कंपनियों का मुद्दा उठाया जाएगा तो जो संगठन है भारतीय लोक सेवा दल या अन्य संगठन है वे सड़कों पर विरोध करेंगे उसका, और पार्लियामेंट के अंदर भारतीय लोक सेवा दल के जो सांसद आप लोग पहुंचाओगे वे उस पैसे को वापसी कराने में सहयोग करेंगे। तो बाहर से भी लड़ाई लड़ी जाएगी और अंदर से भी लड़ाई लड़ी जाएगी तो भी आप लोगों का पैसा वापसी हो सकता है। क्योंकि विकास त्रिपाठी जी का और सभी संगठनों का कहना है कि आम जनता की परेशानियों को ना तो सेबी देख रहा है, ना लोढ़ा कमेटी देख रही है और ना ही पल्स या वे जो कंपनी है जो पैसा लेकर भाग गई है कोई भी नहीं देख रहा, साथ में कोई भी सरकार इस मुद्दे पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मजबूरन भारतीय लोक सेवा दल ने अपने अपने प्रत्याशियों को उतारा है। अभी कितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं इसकी हमें पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है, ना जाने क्यों बार बार कहने के बावजूद भी हमारे पास तक अभी तक सूची नहीं आई है कि कितने प्रत्याशी कहां कहां से लड़ रहे हैं। इसकी सूची ज़रूर हमें विकास त्रिपाठी जी जल्दी ही देंगे जिससे कि आप लोगों तक हम ये सूचना पहुंचा सकते हैं कि भारतीय लोक सेवा दल के प्रत्याशी कौन कौन सी सीटों पर लड़ रहे हैं। कुछ प्रत्याशी है जैसे मथुरा से रामदेव गौतम जी है, हेमा मालिनी जी के विरुद्ध लड़ रहे हैं, भारतीय लोक सेवा दल के प्रत्याशी है। कानपुर से विकास त्रिपाठी जी हैं और रविशंकर गौतम जी मुरादाबाद से हैं जो भारतीय लोक सेवा दल के प्रत्याशी हैं। और अमित गर्ग जी का तो आपने सुना ही होगा कि उनका जो पर्चा दाखिल हुआ था वो निरस्त कर दिया गया बिना कोई कारण बताए, चुनाव आयोग में चुनौती दे रखी है। अब उसको क्या निर्णय लिया जाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वहाँ से पता चला है कि जो अमित गर्ग जी का पर्चा निरस्त हुआ था बिना कारण बताए उस पर्चे को किसी राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा ही कैंसिल कराया गया है जिससे कि किसी भी अन्य जो पार्टी है उसको नुकसान ना हो सके। हो सकता है अमित गर्ग के उस पर्चे से बहुत सारे निवेशक या दूसरी पार्टी के बहुत सारे सदस्य कट रहे हो इस वजह से वो पर्चा निरस्त करा दिया गया। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस वीडियो में आप लोगों के लिए और बहुत सारी अच्छी खबर है और इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि विकास त्रिपाठी जी प्रत्येक रविवार को एक मीटिंग करते हैं पल्स भवन कानपुर में, जहां पर पल्स निवेशकों के साथ साथ सभी चिटफंड कंपनियों के निवेशकों को और एजेंटों को आमंत्रित किया जाता है। अब वहां पर कितने लोग पहुंचते हैं, कितनों की समस्या होती है, सभी के बारे में पता करते हैं, उनको जवाब देते हैं और जो भी समस्या होती है उसका समाधान करने का पूरा आश्वासन देते हैं। अब प्रचार प्रसार में लग चुके हैं भारतीय लोक सेवा दल और आप लोगों का पैसा वापसी दिलाने के लिए तीन माह का वक्त मांगा है। क्योंकि पल्स का तो ऑलरेडी जो है आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट है, अब देखना है कि आवेदन प्रक्रिया के कितने समय बाद पैसा वापसी हो सकता है। मगर बात यहां पर है सभी चिटफंड कंपनियों के निवेशकों की, क्योंकि जितनी भी चिटफंड कंपनी के निवेशक हैं सब परेशान हैं, एक पल्स कंपनी के ही परेशान नहीं है, बस ये है कि पल्स कंपनी के निवेशक थोड़े से संख्या में ज़्यादा हैं और जो अन्य चिटफंड कंपनियों के निवेशक हैं थोड़े कम हैं। मगर विकास त्रिपाठी जी और भारतीय लोक सेवा दल सभी
चिट फंड कंपनियों के निवेशकों के लिए लड़ रहे हैं, उनका पैसा वापसी कराने के लिए लड़ रहे हैं। और जो 3 माह का वक्त दिया है ये केवल पल्स कंपनी के लिए नहीं दिया, ये सभी चिट फंड कंपनियों के लिए दिया है। ये ऐसी कंपनियों के लिए दिया है जो पीड़ित है, जिनका पैसा, जिन किसानों का पैसा, जिन गरीब मजदूरों का पैसा कंपनी में फंसा और कंपनी उनका पैसा वापसी नहीं लौटा रही है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पीड़ित निवेशकों तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए, जिससे कि उन तक भी ये खबर पहुँच जाए। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जो 1999 और 2000 में बंद हुई थी, 19 साल पहले था वो, 19 साल बाद उन्होंने पेमेंट की आवेदन खोले थे और पेमेंट कर दिए, पर जो साइट उनकी थी वो बहुत बढ़िया साइट थी सुंदर जिला, क्योंकि मैं घर में कभी नहीं बैठता हूँ, ये विश्वास बनाइए। कार्बी का पोर्टल, कार्बी कोई साइड है ना, वो उन्होंने बताया था, ये बात हमने जब वहां पे रखी तो कोई जवाब नहीं। अब एक आम आदमी जैसे वो जवाब नहीं दे पा रही है, क्या आपको लगता है एक सांसद जब उनके यहाँ जाएगा, बाकायदा उन्होंने पास बनाया, सब कुछ किया, गजबानी तलाशी ली, तब कहीं जाके बांद्रा कुर्ला उनके हेड ऑफिस के अंदर अपलोग जैसे लग रहे थे आतंकवादी देश में घुस गया। बात समझिए, लिखा हुआ था जनता के हित में, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, हमने कहा साला ये तो बहुत बड़ा बात इन्होंने लिख दी, आज जनता का तो भलाई नहीं है, क्या कर रहे हैं ये, तो इन्होंने जनता को डुबा दिया, भला कर रहे हैं ये, भला कर दिया है जनता के। तो मैंने बोल भी दिया था, हमने कहा ये तो आप गलत लिखो, इसमें लिखना चाहिए भला, जनता के भाला करने हेतु भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। तो जूनियर जो था वो हंसने भी लगा। तो कहने का मतलब ये है कि वो आम आदमी की बात बिल्कुल नहीं सुनेंगी और ना आर्यम लोढ़ा साहब सुनेंगे जब तक आपके पास हथियार नहीं होगा। ये पूरा निचोड़ हमने इधर 2 महीने से समझा और समझने के बाद में ये जब निर्णय हुआ कि कोई यहाँ से नहीं खड़ा हो रहा है, उस दिन विश्राम जी ने हमारा नाम खोल दिया, नहीं तो ये हुआ कि भाई ठीक है जब कोई नहीं हो रहा है तो फिर हम भी जैसे लड़ाई चल रही है चलते रहेंगे, आज के समय पे भी यहाँ पे मीटिंग भी ना करते, घर में बैठते। तो कहने का मतलब ये है कि ये 2 महीनों में जो हमारी 23 मई तक हम लोग जिंदा बने रहे, उस पर चर्चा पेपर पे नाम, क्योंकि अब कल से हमारा प्रचार प्रसार शुरू करेगा, ठीक है, पेपर में भी हम लोग आप लोगों के सहयोग से जो धनराशि आएगी वो वहाँ पे दी जाएगी, इन पीएसएल पीड़ितों के द्वारा ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ, तो कहीं ना कहीं नाम हमारा जिंदा बना रहेगा। एक बार मैं बोल रहा हूँ, ये चुनाव विकास की पार्टी का परिवार पर्सनल नहीं लड़ रहा है, ये पीड़ित परिवार चुनाव लड़ रहा है और पल्स का लोगो जो लगा हुआ है वो चुनाव लड़ रहा है, ये दिमाग में सभी लोग बसा दो, क्योंकि जनता और इन नेताओं के दिमाग में ये उनके अंदर घुस गया है, हमारा नाम नहीं लिया जाता है, हमको बुलाया जाता है भैया पल्स वाले, भैया पल्स वाले, बात समझ लीजिए। तो ये दिन रात हम एक कर देंगे, पहला हमारा बिंदु रहेगा, दूसरा बिंदु रहेगा 3 महीने में हर निवेशक का पेमेंट होगा जो भारत की रजिस्टर्ड कंपनियां है, ये रहेगा, तीसरा ये रहेगा कि अगर 3 महीने में हम पेमेंट नहीं करा पाते जहां ताले लगे वहां ताले खुलवा कर कब्जे दिलवाएंगे, या जमीन जो पड़ी हुई है खेती वाली वहां पे जमीन, क्योंकि हम लीगल काम करेंगे ना, यहाँ तो जो कब्जा किए हुए हैं लीगल करे हुए हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है, अन्यथा लोग कब्जा किए हुए हैं, 10,000 हॉस्पिटल जो बना हुआ है, मेडिकल कॉलेज है, 20,000 करोड़ का है जमाई का, 20,000 करोड़ का आज भाजपा के वहां पे सलेरिया जो है वो कब्जा किए हुए हैं,
दो मिनट में भर्ती का कर सकते जिसको आपको हम नहीं पढ़ पाएंगे ना समझ पाएंगे, क्योंकि उतना ज्ञान नहीं है हम लोगों के पास। अब 20,000 करोड़ की अगर वो सेल हो जाती है तो पूरे यूपी का पेमेंट हो जाएगा, क्यों भाई साहब इतना हो जाएगा। जो एक्टिव में नहीं है तो उन लोग तो घर में बैठे हुए मरे, तो उनको मतलब ही नहीं है, तो उनको पेमेंट जो एक्टिव है उनका पैसा उसी 20,000 करोड़ से निपट जाएगा। भाई लोहे को लोहा ही काट पाएगा, क्योंकि चक्कर अगर लेनी है तो उस लेवल तक बनाना पड़ेगा, बनना पड़े। जमीन ऐसी है, बिल्डिंगें ऐसी है, उसमें मोटा आज भी किराया आ रहा है, जो हमारे मालिक साहब को भी जा रही है उसका पैसा, उसका शेयर भी जा रहा है। लेकिन तो उठिए, क्यों उठिए भाई, पैसा हमारा है, पैसा आपका है, उसका लाभ आपको मिलना चाहिए ना, कि उन्हीं के परिवार को मिलना चाहिए। आज पंजाब में बिटिया से लेकर दामाद और उनकी पत्नी तक मुकदमे क्यों लिखाए गए, केवल इसीलिए लिखाए गए कि आपके नाम ये जमीन क्यों है। जमीन कंपनी के नाम होना चाहिए, जमीन हमारे और आपके नाम होना चाहिए, और हमारे बॉन्ड में लिखा हुआ है 200 बरगद लिखा हुआ है, तो हम लोग लीगल है कि वो लोग लीगल है, वो लोग कब्जा किए हैं वो लीगल है, कि हम लोग जो जमीनों पे कब्जा करेंगे वो लीगल है। तक हम अपने पीड़ित भाइयों की लड़ाई लड़ेंगे, कोई भी सुविधाएं नहीं सैलरी आती हो, हमें तो अभी नहीं मालूम है कितनी आती है, जो भी सैलरी आती है और अपने बीच के परिवार का उसमें चुनाव किया जाएगा, इस व्यक्ति को ज्यादा परेशानी है उसको मिल जाएगी। तो टेंशन ना लो, जब तक ये लड़ाई है तब तक हमें वहां का एक पैसे का लाभ नहीं लेना है। ये कल 10 रुपए की नौकरी करवा के आप सारे लोगों के, क्योंकि बहुत लोगों के पेट में है गड़बड़, तो संशय हटाइए और नाम अपना संसद के अंदर भेजिए पल्स का। जब पल्स का नाम अंदर जाएगा तो कुछ ना कुछ वहां से दवा पानी मिलेगी, ये पक्का है, ये पक्का है। क्योंकि एक सांसद से अटल बिहारी की सरकार गिरी थी, अगर याद हो सब लोगों को 1997 में, उस समय पूरा संसद हंस रहा था, पर इन नेताओं को उस व्यक्ति की बात याद नहीं है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की, कि उन्होंने ये बोला था कि अगर आज आप लोग हंस रहे हो तो कल आपके ऊपर पूरा भारत हंसेगा। आज उन्हीं के नेता भूल गए,